एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद। अब हम उदाहरण करेंगे, दो तीन टेबल हमें करने पड़ेंगे मनुष्य में होने वाले संचरणीय रोग और उनके जीवाणु विषाणु। तो सबसे पहले मनुष्य में देखते हैं, ये सारिणी आपकी बुक में दी हुई है, वहां से आपको अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है। तो चार ऐसे रोग हैं जो सीधे संपर्क द्वारा या वायु द्वारा फैलते हैं, उनसे बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति को अलग रखना बहुत जरूरी है। अब COVID-19 तो आ ही गया है, कोरोना वायरस, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, सब लोगों को पता ही चल चुका है। लेकिन जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो चार रोग कौन से हैं? क्षय रोग, टीबी, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। कौन से हैं? क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। इनमें से क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो वायरस द्वारा। यदि ये रोग किसी व्यक्ति को हो जाते हैं तो उनको अलग रखना बहुत जरूरी है। और एक और उपाय है इनसे बचने का, इनका टीकाकरण। इनका टीका उपलब्ध है, इनका वैक्सीन उपलब्ध है, तो बचपन में ही इनके टीके हमें लग जाने चाहिए। तो ये वायु, सीधे संपर्क या जल द्वारा फैलते हैं और रोगी को अलग रखना बहुत आवश्यक है। अब आता है जो संदूषित भोजन या जल द्वारा फैलते हैं, वो है हैजा और टाइफाइड। ये दोनों जीवाणु द्वारा ही होते हैं, तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है? हमेशा स्वच्छ जल ग्रहण करना है, खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, बिल्कुल अच्छे से पका हुआ ढका हुआ खाना हमें खाना है। और इनके अगेंस्ट भी वैक्सीन है, तो वैक्सीन लगवाकर भी हम इन रोगों से बच सकते हैं, लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब एक रोग है हेपेटाइटिस ए, ये भी एक खतरनाक रोग है जो वायरस द्वारा होता है। तो ये फैलता है, संचरण का तरीका इसका है जल। तो इससे बचने के लिए हमें हमेशा उबले हुए पेयजल का उपयोग करना है और टीकाकरण करवाना है। यदि हम उबला हुआ जल पिएंगे तो हमें कभी भी ये विषाणु अटैक नहीं कर पाएगा। मलेरिया मैं आपको बता ही चुकी हूं, होता है प्लाज्मोडियम द्वारा। कौन है इसका रोगाणु? प्लाज्मोडियम। फैलाता कौन है? मादा एनोफिलिस, मच्छर। तो हमें मच्छर को पनपने से रोकना है, जिससे हम इस रोग से बच पाएंगे। कीटनाशक स्प्रे करनी है, जल को एकत्र नहीं होने देना। तो ये थे मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग।